दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में भारतीय टीम ने अपना शानदार आगाज कर दिया है, जहां पहले दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद आज के दिन भारतीय गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन के आगे सारे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की पूरी टीम मात्र 197 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय टीम 130 रनों की बढ़त अपने नाम की और उनकी पारी को समेटने में सबसे ज्यादा योगदान भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी का रहा, जिन्होंने आज के दिन 5 विकेट लेकर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। और वहीं इनके इस प्रदर्शन को देखते हुए साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने एक बयान दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या कहा एबी डिविलियर्स ने शमी के प्रदर्शन पर। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से बेहतरीन गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरे दिन विकेट के लिए तरसाए रखा और पहले दिन मात्र 3 विकेट के नुकसान पर 272 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान केएल राहुल का था, जिन्होंने धमाकेदार शतक जड़कर पूरे क्रिकेट जगत में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। वहीं दोस्तों, पहले दिन बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन के बाद आज तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने आग उगलती हुई गेंदबाजी की, जिनके सामने सारे साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस नजर आए। दोस्तों, वहीं मोहम्मद शमी ने साउथ अफ्रीकी की पारी को समेटने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। आपको बता दें कि शमी ने धारदार गेंदबाजी करते हुए आज के दिन 5 सफलताएं अर्जित की। दोस्तों, आज के दिन जब जब भारतीय कप्तान विराट कोहली को विकेट की जरूरत लगी, उन्होंने मोहम्मद शमी को गेंद पकड़ाई, जिसके बाद उन्होंने अपने कप्तान को निराश नहीं किया और एक के बाद एक साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां दोस्तों, आज मोहम्मद शमी सुबह से ही शानदार रिदम में नजर आ रहे थे। उन्होंने आज हर प्रकार की गेंद डाली, चाहे वो इन स्विंग हो या आउट स्विंग या फिर बाउंसर, उनकी इस गेंदों का जवाब किसी भी साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज के पास नहीं था। दोस्तों, मोहम्मद शमी के इस प्रदर्शन से प्रभावित होकर साउथ अफ्रीका के पूर्व महान कप्तान और विश्व के विस्फोटक बल्लेबाज रहे एबी डिविलियर्स ने अपना एक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से आज मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी की है, वो काबिले तारीफ है और मुझे उनका सबसे बेहतरीन विकेट एडन मार्करम का लगा। जिस तरीके से उन्होंने एडन मार्करम को खतरनाक आउट स्विंग डालकर आउट किया, वो अविश्वसनीय था। उन्होंने आगे कहा कि मोहम्मद शमी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं, जिनकी कलाई एकदम सीधी रहती है और उनके हाथ से गेंद भी एकदम सीधी छूटती है, जो दुनिया में और कोई गेंदबाज नहीं कर सकता। दोस्तों, मोहम्मद शमी के बारे में साउथ अफ्रीका के दिग्गज एबी डिविलियर्स का ऐसा बयान, ये दर्शाता है कि मोहम्मद शमी विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक हैं और वो अपने शानदार प्रदर्शन से बार बार साबित भी किए हैं। तो दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, साउथ अफ्रीका दौरे पर विराट कोहली शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।